हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज कैसे बनाई जाती है वो बताने वाले हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी नई रेसिपीज आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं लहसुन का अचार, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और बनाने में उतना ही आसान। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में हम एक टेबलस्पून धनिया लेंगे। हमने इस धनिये को भून लिया है। एक टेबलस्पून भुना हुआ जीरा और एक टेबलस्पून सौंफ, इन तीनों के यूज से ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए हमने 200 ग्राम लहसुन की कलियां ली है। मैं इस अचार को बनाते वक्त सैगी कलियों का यूज कर रही हूँ। आप इस कलियों को बारीक बारीक पीसेस में कट भी कर सकते हो। अब हम इसमें एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 पिंच मेथी पाउडर, 2 पिंच हिंग। मेथी और हिंग के यूज से इस अचार को और भी अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें हमने बनाया हुआ मसाला ऐड करेंगे। और मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 कटोरी तेल ऐड करेंगे। इस तेल को हमने अच्छे से गर्म करके कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन के सेवन से आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प होती है और इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है। और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें लहसुन का सेवन रोज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर के यूज से ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और इस अचार को हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है, जिससे ये अचार और भी चटपटा बनता है। विनेगर को इसमें मिक्स करने के बाद ये झटपट बनने वाला लहसुन का हेल्दी अचार बनके रेडी हो चुका है। आप इसे एक कांच की बोतल में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। ऐसी झटपट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।